यहाँ पर इसको टकला बना दिया गया है, आप देख सकते हो। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, अभी फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और सुबह का 5 बज रहा है और आज सब लोग जल्दी ही उठ गया क्योंकि आज मेरा मामा का बेटा का मुंडन होने वाला है, मतलब जानकी मंदिर में, जो नवलखा से नाम भी बहुत फेमस है, वो बहुत पुराना है, नेपाल में जनकपुर में है वो जानकी मंदिर। तो आज वहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, अभी सब लोग रास्ते पे ही है, तो वो सब लोग आएंगे तो मैं और यहाँ से मम्मी भी जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर जाके आपको दिखाऊंगा जानकी मंदिर, जानकी मंदिर का टूर पूरा कराऊंगा। वहाँ पर मरबा है, मरबा का भी टूर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ पर मुंडन कैसे होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले जा रहा हूँ नहाने, मम्मी ने पानी भी गर्म कर दिया क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है। नहा के रेडी भी हो गए, यहाँ पर मम्मी भी तैयार हो गए। अब जाते हैं, हेलमेट रेस्टोरेंट में छूट गया, हेलमेट लेकर आएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। मैं और मम्मी बाइक पे बैठ के अब जा रहे हैं, अब आपको डायरेक्ट वहीं पर जाके दिखाएंगे। और यहाँ पर अभी सब धान भी कट रहे हैं चारों तरफ, अब डायरेक्ट वहीं पर जाके दिखाऊंगा। ये पूरा फॉरेस्ट वाला रोड है जो कि जंगल के बीच से निकाला है ये रोड, और यही रोड होके जाएंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है रोड का। जनकपुर में हम इंटर कर चुके हैं, 2 घंटा लग गया इंटर करते हुए, और अभी रामानंद चौक पे रुके हैं जो कि ये सामने का है। ये रामानंद चौक है, ये बहुत फेमस चौक है। जानकी टेंपल में आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे पूरा जानकी मंदिर, अब इसके अंदर भी जाएंगे और मुरन होगा वहाँ पर, वो मुंडन भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अभी कोई संसद हुआ था इसीलिए अभी ये खुला भी नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा टूरिस्ट लोग आए हैं घूमने, अमेरिका से भी आए हैं सब लोग घूमने यहाँ पर। और ये हो गया पूरा जानकी मंदिर। इसी को नवलखा टेंपल भी कहते हैं, पहले ज़माना में मतलब ये 9 लाख में ही बना दिया था ये पूरा टेंपल। इसके अंदर भी है, अब जाते हैं आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे। मामा लोग भी आ गया है लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पर है, फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन अभी जाके पहले दर्शन करते हैं मैं और मम्मी, उसके बाद पूछते हैं वहाँ पर कहाँ पर होगा, अभी फ़ोन करके फिर पता लगा के फिर वहाँ पर जा। और यहाँ पर हो गया हमारा हनुमान जी जी। तो बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइज, अभी धूप भी बहुत हो गया है और मम्मी पूजा करेंगे इसीलिए वहाँ से जाके फूल पहले ले लेते हैं। 50 रुपया है ये है। खाली माला वाला। गाइस, बहुत दूर दूर से अब सब लोग आ ही रहा है, थोड़ा देर के बाद ये पूरा भर जाएगा, थोड़ा जगह चलने का भी नहीं रहेगा। मम्मी ने फूल ले लिया, अब फूल लेके अंदर चलते हैं, अब पूजा करेंगे, तब तक वो लोग भी आ जाएगा, अभी तक मैंने फोन भी नहीं किया। पूजा करने के बाद फिर गाइस, ये अंदर का लुक है, आप देख सकते हो। अभी तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, मम्मी वहाँ पर चला गया, अभी फूल लेके पूजा करेंगे वहाँ पर। और इसका अंडरग्राउंड भी है तो अब देखते हैं, अंडरग्राउंड अभी खुला होगा, टिकट लेना पड़ता है वहाँ पर। अगर अंडरग्राउंड खुला होगा तो वहाँ पर भी जाएंगे, और आपको अंडरग्राउंड में क्या क्या म्यूजियम है वो म्यूजियम भी आपको दिखाऊंगा। गाइस, अंदर में मोबाइल तो अलाउ नहीं है।
लाओ ना ले ली। चल गाइस प्रसाद तो लेना पड़ेगा, प्रसाद भूल गए अब यहाँ पर जाके, गेट पे ही था तो वहाँ से जाके प्रसाद ले लेते हैं, फिर अंदर जाके पूजा करेंगे। यहीं पर रहेगा, यहीं पर मुंडन होता है, आएगा तो अभी फोन करके फिर यहीं पर आएंगे। मम्मी तो वहाँ पर चला गया आगे। गाइस फाइनली यहाँ पर मिठाई का दुकान मिल गया, अब यहाँ पर मिठाई लेके फिर अंदर में चलते हैं। मम्मी आप कितने दिन के बाद आए हो यहाँ पर? बहुत दिन के बाद। गाइस यहाँ पर मोबाइल भी अलाउ नहीं है, मम्मी वहाँ पर चला गया, पूजा करेंगे, हम भी जाते हैं वहाँ पर। पूजा भी हो गई है और यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा भीड़ है। अब पूजा तो कर ली, अब जाके ढूंढते हैं कि कहाँ पर है, फिर ढूंढ के अब वहाँ पर मुरन भी होगा तो अब टाइम भी नहीं है, तो अब जाते हैं वहाँ पर, अब देखते हैं कहाँ पर है ढूंढ के, फिर आपको आगे का नज़ारा देखते हैं। पूजा हो गया, अब यहाँ पर स्लीपर पहनने आए, स्लीपर अंदर में अलाउ नहीं था, मुझे लगा वो लोग आ गए हैं, लेकिन अभी वो सब रास्ते पे ही है, फ़ोन किया था अभी, तो जब तक वो आएगा कुछ खा लेते हैं, मम्मी को भी भूख लगा है, मुझे भी भूख लग गया है, तो अब जाएंगे कुछ खा के फिर आएंगे। तब तक गाइस बाहर में अभी बहुत धूप है, तो अब खाएंगे लस्सी फिर खा के निकलेंगे। बढ़िया लगे तो मलाई वाला। गाइज ये हो गया जनक चौक, जहाँ पर पूरा ये लाइन में कपड़ा ही कपड़ा है, पूरा लास्ट तक कपड़ा है, मतलब 10 मिनट तक आप चल के जाओगे वहाँ तक ये कपड़ा का दुकान ही मिलेगा। ये मेन गेट है, गाइज फाइनली हमारा फेवरेट छोला भटूरा आ गया। गाइज अभी मस्ती से खाना भी खा लिए हैं, अब मम्मी थोड़ा सामान लेगा, कपड़ा वगैरह वगैरह वो बच्चे के लिए। गाइज अभी सब इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो। भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, तो खड़ा होने के भी जगह नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो। और वहाँ पर पुलिस आके बोल रहा है कि वहाँ पर नहीं डांस करने के लिए भीड़ होने के कारण से, तो सब लोग बाहर में जाएगा फिर वहीं पर डांस कार्यक्रम होगा। यही है मेरा भतीजा लगेगा आज, इसका ही मुंडन है और एक इससे भी छोटा भाई है इसका, उसका भी होगा, तो अभी देख रहे हो ये बाल चला जाएगा, पूरा मुंडन हो जाएगा, तो आज इसका भी चला जाएगा बाल, बहुत हीरो बन रहा था ये, देखो ये पूरा हीरो बन रहा था गाइस, आज इसका भी उड़ जाएगा, ये भी टकलू हो जाएगा, ये अनुराग टकलू, और इसको देखो बिना स्ट्रो का फ्रूटी पी रहा है। गाइस यहाँ पर राम भगवान का शादी हुआ था, यही ये मंडप श्री राम जानकी विवाह मंडप, अब अंदर जाके आपको सब दिखाते हैं मरवा, वीडियो क्लास तक बने रहिए। अब यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग है, टिकट वहाँ पर ले लिया, अब आपको दिखाता हूँ आगे का। स्टार्टिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर फोटोग्राफर सब है, और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है मंडप। सकते हो यही है मरवा, जहां पर राम और सीता भगवान का शादी हुआ था,
वहीं पर है अभी। और ये पीछे का आप दिख रहे हैं, यही है मरवा। चारों तरफ से तो कंपाउंड बना दिया है। और ये मेरा मामा का बेटा है राजू, ये भाई को भी साथ में लेकर आ गए हैं। चारों तरफ तो लॉक लग गया है, एक गेट खुला हुआ है। गार्डन है इस तरफ, 10-12 दिन सफ़र करके यहाँ पर आते हैं। चारों तरफ से ग्लास रख दिया है। और ये पीछे से तो आप नहीं देख पाओगे, आगे से दिखाऊंगा आपको। गाइस आप देख सकते हो, ये नहीं देखा देखा। ये पूरा गार्डन है, पूरा मतलब ग्रीनी बना दिया है, पूरा साफ सुथरा है। गाइस एक में तो पानी अभी सूख गया है, ऊपर में आप देख सकते हो पानी है। इसमें पहले मछली भी रहता था, लेकिन अभी सब खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है। लाइट सब भी टूट गया है। पहले तो मतलब ये दमकल से मतलब पानी ऊपर की तरफ जाते थे, लेकिन अभी सब टूट गया है। ऊपर में सिर्फ थोड़ा पानी बचा है, नहीं तो ये सभी फूल रहता था तो अच्छा लगता था। और गाइस ये पीछे से मरवा का पीछे की तरफ से है ये लुक, आप देख सकते हो कितना अच्छा है। शत्रुघ्न जी और श्रुति जी यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत साल कमती में 40 साल पुराना पिक्चर है ये। गाइस यहाँ पर भगवान राम जी और माता सीता जी का शादी हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यही स्थल था जहाँ पर शादी हुआ था। और यहाँ पर बाबा जी है। गाइस मरवा में यही सब था पहले। यहाँ पर रात का नज़ारा तो बहुत अच्छा लगता है, कि वो लाइटिंग वगैरह वगैरह रहता है। और वो समय भी बहुत पानी भरा होता था, लेकिन अभी तो सब सूख गया है। अगर यहाँ पर रात में एक बार रात का भी ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा, रात का नज़ारा तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। गाइस ये सब हो गया प्रसाद, और यहाँ पर पूजा स्टार्ट भी हो गए हैं। ये मेरे भैया और भाभी जी है। गाइस अभी पूजा खत्म हो चुका है और शाम का 4 बज चुका है, तो अब आरती होके फिर वहाँ पर मुंडन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी आरती हो रहा है। आता पूजा छबीरा थोड़ा देर में पूरा ऊपर का चला जाएगा, अच्छा लगेगा। गाइस यहाँ पर बाल काटने के लिए भी बहुत डिमांड रहता है। एक बाल काटने के लिए कम से कम 2000 रुपया ले लिया। लाइट ना होता रहा। एक तो खत्म। गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कैसा लगा जानकी मंदिर मरवा, और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।